हमारी मेन कैरेक्टर को कुछ इंसिडेंट की वजह से लोगों से कनेक्ट करने के लिए बहुत ट्रबल हो रहा था। वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेल एस्कॉर्ट को हायर कर दिया जिसके साथ अपनी सारी फीलिंग्स वो बता सकती थी। प्रॉब्लम तब आई जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है। अब क्या ये अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रह पाएंगे, ये हम आज के हमारी मूवी अल्टर मी 2021 की एक रोमांटिक फिलीपींस मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर एमी और उनो ये हमें सोशल मीडिया के बारे में बता रहे थे। उनो कहता है कि सोशल मीडिया को लोग अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। वहां पर अपनी फोटो शेयर करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए उसे यूज करते हैं, पर इसके पीछे भी और एक सोशल मीडिया है। इसका नाम है अल्टर वर्ल्ड। अल्टर वर्ल्ड में जो चीज वो सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकते, ये सब कुछ वो बोल सकते हैं। इस ऐप में डिनर जैसी भी अरेंजमेंट की गई थी जिसमें लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। अगर उन्हें किसी लड़के और लड़की को बुक करना हो तो ये भी वो कर सकते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्यार की तलाश में होते हैं। एमी कहती है कि अल्टर वर्ल्ड में प्यार पाना है बहुत ही डिफिकल्ट है, वैसे रियल वर्ल्ड में भी एक दूसरे से मिलना है बहुत ही हार्ड होता है, और इस तरीके से ऑनलाइन किसी से मिलना ये जरा उसे गलत लगता है। उन्होंने कहा कि हम दोनों भी तो वैसे ही मिले थे और अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। वो अल्टर पर एस्कॉर्ट का काम करता था। वो एक लड़की से मिला और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद उसे आई लव यू कहता है। उस लड़की को ये बात बहुत ही अजीब लगी, उसे छोड़कर वो चली गई। उन्हों को इस बात से बहुत बुरा लगा। पैरेलल में हम एमी को देखते हैं। वो एक कंपनी के लिए एचआर के लिए काम करती थी। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसका एक एम्प्लॉय उसे छुट्टी मांग रहा था पर उसे दे नहीं रही थी। उसे कहता है कि मैं मेरे प्यार को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाना चाहता हूँ। उसे बहुत ही अनाई कर रहा था तो फाइनली उसने उसे छुट्टी दे ही दी। एमी प्यार व्यार इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती। एक रात उन्होंने एक लड़की के साथ था तभी उसका हस्बैंड उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हों को मारने वाला था तभी वहां से भाग जाता है। उन्हों एक लड़की के लिए सीरियस था, उसे आई लव यू कह देता है। वो लड़की उसे कहती है मैं सिर्फ इंटीमेट होने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। उसे किस तरीके से ट्रीट करना है उसे वो सिखा देती है। रात में जब वो लड़का उसके पास आता है तो हम देख सकते हैं कि वो उनो ही है। जब वो उसके पास आया तो एमी ने उसे पहचान लिया और शॉक में वो नीचे गिर जाती है। एक्चुअल में एमी और उनो एक ही कॉलेज में थे। एमी को जब होश आया तो उनो उसका ख्याल रखता है। उसे हेडेक आ रहा था तो उनो उसे मसाज दे देता है। यहाँ पर इस तरीके से रुकना उसे बहुत ही वियर्ड लग रहा था तो उसे कहती कि चलो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। उनो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखें कभी नोटिस नहीं की थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एमी पूछती है क्या हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था। एमी पूछती है कि तुम ये काम कैसे करने लग गए। उनो को तो बहुत कुछ करना था, वो अब्रॉड जाना चाहता था, एक एथलीट बनना चाहता था, पर जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ तो पैसे कमाने के लिए ये जॉब उसने ले लिया। उसे जॉब करना उतना बुरा भी नहीं लगता, अपनी लाइफ में प्यार ढूंढने के लिए ये सब कर रहा है। उनो कहता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, एक्चुअल में तुम मेरा फर्स्ट प्यार हो। कॉलेज में हमेशा मैं तुम्हें दूर से देखा करता था, उस वक्त तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था और इसी वजह से मैं तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाया। चलो पहला प्यार तो नहीं पर तुम मेरा आखिरी प्यार बन सकती हो। एमी को ये बात बहुत ही क्रिंजी लगती है। उन्होंने कहा कि तुमने इस तरीके से क्यों मुंह बनाया हुआ है, तुम स्माइल करते हो बहुत अच्छी लगती हो। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे आसपास सारी चीजें एकदम अच्छी होने लगती है। अगली सुबह एमी एक्चुअल में स्माइल करने का ट्राई करती है। वो दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए स्माइल कर रही थी। उन्होंने अपने ब्रदर को एमी के बारे में बता देता है। ब्रदर ने पूछा कि क्या तुम दोनों में कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। उसे लगता है कि एमी उसकी लाइफ का प्यार है। ब्रदर ने कहा कि तुम्हें अच्छी तरीके से उसे परस्यू करना चाहिए। उसे अब तक की हर एक लड़की रॉन्ग लग रही थी। एमी को पाने के लिए हर एक चीज करने के लिए रेडी था, उसके लिए बदल सकता है। आज एमी हर एक एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रही थी तो बॉस को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। टीना ने बॉस को एमी की रात के बारे में बता दिया था तो बॉस कहता है कि तुम्हें जो सही लगे वो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे इस तरीके से अच्छे मूड में रहना ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। एमी टीना से कहती कि मुझे हमेशा से इसी मूड में रहना चाहिए पर मैं कैसे कर सकती हूँ। उसे लाइफ में एक कॉन्स्टेंट चाहिए। वो कल उनो के साथ थी और इसी वजह से उसका मूड अच्छा हुआ है तो अगली सेकंड डेट के लिए उसे बुला लेती है। एमी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, इस वर्ल्ड से मैं बहुत ही डिसकनेक्ट हो चुकी हूँ, लोग मुझे पसंद कर पाए इस तरीके से मुझे चेंजेस करने हैं, प्लीज इस बात के लिए मुझे हेल्प कर देना। अपनी लाइफ में उसे कॉन्स्टेंटली रखना चाहती थी। ये सब बात सुनकर उनो को बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मिलकर फिर एमी के लिए शॉपिंग की, उसे फिटनेस के लिए स्विमिंग के लिए लेकर जाता है, इससे उसे हमेशा रिलैक्स लगेगा और लोगों से कनेक्ट करने के लिए हेल्प होगी।
ये सब सीखते हुए दोनों करीब आ गए थे और इंटीमेट होने लग जाते हैं। एमी का पूरा आउटलुक चेंज हो गया था। एक दिन उन्हें उसे एक जगह पर लेकर आता है जो एमी को बहुत पसंद आई। वो कहता है कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा यहीं पर आकर हैंग आउट करते हैं। एमी कहती कि शायद मेरी लाइफ भी इतनी सिंपल हो पाती। उन्हों कहता है कि तुम हमेशा काम क्यों करती रहती हो। एमी ने कहा कि इस तरीके से लाइफ जीने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। उसकी बचपन में मदर की डेथ हो गई थी तो अपने फादर के साथ वो बड़ी हुई थी। वो हमेशा उन पर ट्रस्ट करती थी, पर अचानक से एक दिन उसके फादर कनाडा चले गए। उन्होंने कहा था कि वो थोड़े ही टाइम के लिए वहां पर जाएंगे और वहां से कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, पर वो कनाडा जाकर वापस आए ही नहीं। बाद में एमी को पता चला कि वहां पर उन्होंने किसी और से शादी कर ली है और एक नई फैमिली स्टार्ट की है। फादर ने बाद में कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखी। उसे इस बात से बहुत बुरा लगा था। 2 साल पहले उसे पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है। वो कभी भी उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर पाई। ऐसे ही उसे छोड़कर चले गए थे तो अपने खुद का ख्याल उसे खुद ही रखना पड़ा था। इस वर्ल्ड में जीना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो हमेशा हर एक चीज को लेकर ऑब्सेसिव थी। उसने टॉप किया, अच्छी जॉब ली, इसी वजह से इस तरीके से उसकी बिहेवियर हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल अच्छा है, ये तुम्हें लोगों को दिखाना चाहिए। तुम प्यार पर फिर से बिलीव कर सकती हो। अपने अंदर के पेन को जब तुम इम्ब्रेस करोगी तभी सही तरीके से प्यार कर पाओगी। एमी ने टीना को उनों के बारे में बता दिया। उसे कहती कि उन्होंने मुझे चेंज करने में बहुत हेल्प की है। टीना ने कहा कि क्या तुम एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो। एमी कहती कि अब तक उनकी रिलेशनशिप जिस तरीके से चल रही है वैसे वो चलने देंगे। उसे उनों की बहुत जरूरत थी। उन्हों बहुत ही खुश था। उसे लग रहा था कि एमी के साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकता है। अपना अल्टर का अकाउंट वो डिलीट कर देता है। उसकी सिस्टर उसे कहती है तुम फिर से उड़ने लग गए हो, तुम फिर से हर्ट हो जाओगे। उन्हों कहता कि प्यार में तो हम हर्ट होते ही है, पर वो गिव अप नहीं करने वाला। एक रात उन्हों और एमी एक होटल में मिले और वहां पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एमी ने ऑफिस पार्टी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं बिहेव करता था इस वजह से मैंने मेरी फैमिली को बहुत हर्ट किया है। अब मैं बहुत सारा काम कर उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। एमी कहती कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। इस वीकेंड के पार्टी के लिए उसे इनवाइट कर लेती है। उन्हों का ब्रदर इस पार्टी में आया हुआ था। टीना और वो मिले और टीना ऑलरेडी अल्टर में उसे फॉलो करती थी, तो दोनों पार्टी करने के लिए चले गए। ये पार्टी बॉस के घर पर थी, तो एमी कहती कि तुम्हारी फैमिली को जरा तकलीफ हो रही होगी। बॉस कहता यहाँ पर मैं और मेरा ब्रदर सिर्फ हम दोनों ही है। एक्चुअल में बॉस का ब्रदर एमी का एक्स बॉयफ्रेंड था। थोड़ी देर में उसके पास उन्हों आ गया। उन्होंने रिंग्स लिए, कुछ बातें की। उन्हों सीरियस हो गया। उसे कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमी इस बात को इग्नोर कर देती है और पुल के पास हो चली गई। उसमें वो नीचे गिर गई तो उन्हों उसे बचा लेता है। उसे फिर से आई लव यू कहने लग गया। तभी वहां पर एमी के बॉस का ब्रदर जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है अर्नेस्ट, ये पहुंच जाता है। उसने उसे पुल से बाहर निकाला, उसे टॉय लेकर उसका फूट मसाज वो करने लग जाता है। उन्हों भी उसके लिए ड्रिंक लेकर आया। अर्नेस्ट ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो उन्हों भी उनके साथ आता है। अर्नेस्ट पहले उन्हों को उसके घर छोड़ने वाला था, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। इनकी आवाज सुनकर अर्नेस्ट वहां पर पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग गए। एमी ने उन्हों से गुस्सा होकर कहा कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, हम दोनों अल्टर में मिले थे, इसके अलावा हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उन्हों गुस्से में वहां से चला गया। एमी रियलाइज करती कि ऐसा उसे बोलना नहीं चाहिए था, तो उन्हों को पीछे पीछे भागी, पर वो तब तक वहां से चला गया था। उसे ढूंढ नहीं पाती, वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था। उन्हों की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करती है। एमी ने उसका अकाउंट ढूंढने की कोशिश की पर उसे ढूंढ नहीं पाती। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसने एक लॉन्ग छुट्टी ले ली। थोड़े दिनों बाद वो वापस आने पर अर्नेस्ट से बात करती है। अर्नेस्ट ने कहा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गई। एमी ने कहा कि शायद मुझे उसे परस्यू करने के लिए बहुत लेट हो गया। अर्नेस्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ हर्ट होने से डर रही हो, तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। एमी ने कहा कि शायद ये जरा रिस्की होगा, इस बात से वो डर रही थी। अर्नेस्ट कहता है कि प्यार के सामने डर कभी भी आगे नहीं आता, फियर्स के सामने हमेशा अपने प्यार को चूज करो। एमी कहती है कि तुम ये सब बोल कैसे पा रहे हो। अर्नेस्ट कहता है कि मैं तुमसे एक्चुअल में बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। इस सब के बाद एमी उनो के पास आके और उनो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये हमें एक अच्छा सा मैसेज देकर जाती है कि हमारे प्यार के सामने हमारे फियर्स कुछ भी नहीं है, हमेशा हमारे दिल में प्यार रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।